हेलो गाइस, तो ये फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का फर्स्ट वाला पार्ट है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम कवर करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में मैंने इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो वहां जाकर के आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको याद रहे और आप कम समय में इन सभी क्वेश्चन का क्विक रिविजन कर सकें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिले यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर आए? तो सही उत्तर है चंदौली। एक्चुअली में 2018 की शुरुआत में नीति आयोग ने एक योजना शुरू की थी कि भाई जो भी पिछड़े जिले हैं ना, उनका विकास नहीं हुआ है, हम उनका चयन करेंगे और फिर उनको विकसित करेंगे। तो उसी के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला, सेकंड पे उड़ीसा का बोलनगीर, और थर्ड पे आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला। और ये जो रिपोर्ट है उन जिलों की कृषि, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, पोषण के आधार पर तैयार की गई है। नीति आयोग की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति की मतलब क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2019 में इनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ा दिया 2021 तक। फिर है, अभी किसे आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जनक राज को। एक्चुअली में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अभी तक कार्यकारी निदेशक थे माइकल देवव्रत पात्रा, लेकिन आपको पता है अभी ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बन चुके हैं, तो इनकी जगह आ गए हैं जनक राज। अच्छा, मौद्रिक नीति समिति का काम क्या होता है? तो जो हमारी ब्याज दरें होती हैं कि किसकी दर कितनी रहेगी, ये डिसाइड करने का काम करती है। आरबीआई की स्थापना याद रखो 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। और वैसे आपको बता दूं, अभी सरकार की आरबीआई के अंदर ही जो कोऑपरेटिव बैंक, जो सहकारी बैंक होते हैं, उनको भी लाने की, इसके अंदर ही लाने की तैयारी है। मतलब आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती हैं अब उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर होगा तेलंगाना। अच्छा, ये तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट हो गई। आपको याद होगा अगर दिसंबर का मंथली वाला करंट अफेयर्स का वीडियो आपने देखा होगा, तो वहां पे हमने बात करी थी, नीति आयोग ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था केरल। तो वो नीति आयोग का था और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। अच्छा, अगर सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे तो कितने गोल्स हैं? टोटल 17 हैं, और इन लक्ष्यों को हमें कब तक पूरा करना है? 2030 तक पूरा करना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, प्रमुख इसके हैं अकीम स्टीनर, और इसकी स्थापना 1965 में हुई। फिर अभी किस भारतीय को थाईलैंड में यूनाइटेड नेशन का प्रमुख दूत बनाया गया है? तो आंसर होगा गीता सभरवाल को। तो गीता सभरवाल को अभी थाईलैंड में यूनाइटेड नेशन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। बात की ध्यान रखो, ये गीता सभरवाल है। एक गीता गोपीनाथ भी आपने पढ़ा होगा, 2019 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी वो। अंशुला कांत की बात करेंगे, 2019 में ही ये वर्ल्ड बैंक की पहली महिला CFO और MD बनी थी, CFO यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर। और HK जोशी की बात करेंगे, हरजीत कौर जोशी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला CMD बनी अभी है। बाकी यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और यही कारण है कि हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। देखो, 24 अक्टूबर को और भी इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पोलियो डे हो गया, नेशनल फूड डे हो गया, ये भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरी जनरल इसके हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो कि कहाँ से है? पुर्तगाल से है। पुर्तगाल की कैपिटल आपकी लिस्बन है, और पुर्तगाल से एक महान फुटबॉल खिलाड़ी भी आते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर है, विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस पहली बार कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो याद रखना, पहली बार मनाया गया अब ये 30 जनवरी 2020 को, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा उसको समाप्त करने के लिए इसे मनाया जाता है। ये जो रोग है परजीवियों और बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर अभी किसे 2019-20 का पेन गोरी लंकेश सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा यूसुफ जमील को। अच्छा, ये कौन है? तो जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं यूसुफ जमील, और इन्हीं को पत्रकारिता में इनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। इस सम्मान की बात कर ले तो ये मशहूर पत्रकार गौरी लंकेश की याद में दिया जाता है। 2017 में बेंगलुरु में इनके घर पर इनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, पुरस्कार की बात करें तो 2018-19 में पहली बार इस सम्मान को दिया गया था। किसको मिला था? कार्टूनिस्ट पी महमूद को दिया गया था। अच्छा, देखो, एक और गौरी लंकेश जी के नाम पे एक अवार्ड है, गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड, जो 2019 में पहली बार दिया गया था। किसे मिला था? NDTV के पत्रकार
तो आपको ये नाम याद रखना है, पेन गोरी लंकेश अवार्ड जो कि 2019-20 का मिला है किसको, जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं यूसुफ जमील को। फिर है किसे नेपाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा को। वहीं ऑप्शन में बात करेंगे तरनजीत सिंह संधू, अमेरिका में भारतीय राजदूत बने ये। मोहम्मद इमरान की बात करेंगे तो बांग्लादेश ने भारत में अपना उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया। और सी सुगंध राजन की बात करेंगे, घाना में भारत ने अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया था। नेपाल की बात करें, कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर ही है काठमांडू में। और अभी दिसंबर में नेपाल के साथ हमने जो एक्सरसाइज की थी उसका नाम क्या है, सूर्य किरण है, नेपाल के रूपनदेही जिले में की थी। और अभी नेपाल ने सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। फिर अभी किसे इस साल के कल्पना चावला एक्सेलेंस अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो आंसर होगा दिलराज प्रीत कौर। ये कौन है, ये उत्तराखंड की योग ब्रांड एम्बेसडर है और इन्हें मिलेगा इस साल का कल्पना चावला एक्सेलेंस अवार्ड। बाकी रानी रामपाल की बात करेंगे, महिला हॉकी टीम की कप्तान है ये और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला था और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी, तो ये नाम याद रखना। उसके अलावा पवन सुखदेव की बात करेंगे, 2020 का टाइलर पुरस्कार जीता था इन्होंने और ये टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। देखो ये है पवन सुखदेव और यहीं से एक नाम आप याद रख सकते हो, सुखदीप सांगवान का, असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल हैं जो। संजना कपूर की बात करेंगे, शशि कपूर की बेटी हैं ये और फ्रांस सरकार ने इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया था। फिर है किस संगठन ने कोरोना वायरस पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, तो आंसर होगा WHO ने। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का मुख्य कारण है इस वायरस का 18 से ज्यादा देशों में फैलना। इसकी शुरुआत तो चाइना में हुई थी लेकिन अभी तक ये काफी सारे देशों में फैल चुका है और भारत में भी यहां तक कोरोना वायरस के मामले आ चुके हैं। सबसे पहला मामला आया था आपके केरल से ही 2-3 मामले आ चुके हैं और केरल ने इसी कारण से राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया था। WHO की बात करेंगे, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और यही कारण है कि हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, डायरेक्टर जनरल है इसके तेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसस। कहां से है ये, इथोपिया से है, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। और WHO की प्रमुख साइंटिस्ट कौन बनी थी, भारतीय बनी थी सौम्या स्वामीनाथन, नाम याद रखना। और याद रखना अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में घोषित किया था और अभी WHO ने एक रिपोर्ट भी दी है, उसमें बताया कि 2040 तक वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबली कैंसर के मामले 60% तक बढ़ सकते हैं। और WHO, G7 ग्रुप और चाइना ये आपस में मिलकर के कोरोना वायरस के निपटान के लिए अब कार्य करेंगे। और कोरोना वायरस से याद रख लो, अभी यूनाइटेड किंगडम ने भी इसके टीके के विकास के लिए 20 मिलियन पाउंड सहायता राशि दी है। फिर अभी कौन विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है, तो आंसर होगा बाला देवी। अच्छा ये है किस राज्य की, तो ये मणिपुर की है जहां से आपकी MC मेरी कॉम है। तो अभी ये यूरोपीय क्लब रेंजर्स जो कि स्कॉटलैंड का है उसके साथ 18 महीनों के लिए जुड़ गई है और इस तरह से विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है। अच्छा महिला फुटबॉल खिलाड़ी में आपको एक और नाम याद रखना है जिन्हें अभी पद्मश्री के लिए चुना गया और इस तरह से पद्मश्री सम्मान पाने वाली वो पहली महिला फुटबॉलर बन गई है। क्या नाम है उनका, ओनम बेमबेम देवी, जिन्हें दुर्गा के नाम से जाना जाता है। अच्छा गाइज आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है एप्लीकेशन में। उससे आपको पहली चीज तो ये पता लगेगी कि अभी अभी जो आपने वीडियो देखा है, अभी अभी जो आपने क्वेश्चन करे हैं, अगर उन्हीं क्वेश्चंस का आप टेस्ट लगाते हो तो कितने क्वेश्चन आपके राइट निकलते हैं। और फिर अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना और फिर कुछ समय बाद फिर से वही क्विज लगाना, हाथों हाथ मत लगाना, कुछ समय देना अपने आपको। और जब वापस से क्विज लगाओगे तो आप देखना कि जो क्वेश्चन आपके पहले गलत हुए थे अभी वो राइट हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब आपको एक टारगेट सेट करना है, कोई भी क्विज आप लगा रहे हो और तब तक आप वो लगाते रहोगे जब तक कि सारे क्वेश्चन आपके राइट नहीं हो जाते। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपकी जिद होनी चाहिए, तो उसके बाद आप देखना आपके अंदर कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपको याद होने लग जाएंगे। यही मेरा और आपका मकसद होना चाहिए। और अब आप जानते हो आपकी क्विज में रैंकिंग वाला फीचर भी मैंने ऐड कर दिया है, तो वहां पे आपका टाइम, आपकी एफिशिएंसी, कितने गलत कितने राइट और जितने भी लोग क्विज देंगे उनके बीच में आपको आपकी रैंक भी दिखाई देगी। वहां आपको वास्तविकता पता लगेगी, यार एक क्वेश्चन गलत होने से कितना रैंक में पीछे आ जाता हूँ या आ जाती हूँ।
एक एक नंबर से कितना फर्क पड़ता है, तो वो क्विज आप लगा लेना। और अगर कोई नया स्टूडेंट है उसने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, प्लीज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, ये वीकली सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना। क्योंकि देखो, किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, और मेरा मोटिवेशन है आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग इसे शेयर करते हो, लाइक करते हो, मैं काफी मोटिवेट फील करता हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करोगे, इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आगे। फिर है, IBM कंपनी ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है, तो आंसर होगा अरविंद कृष्णा को, और ये गिन्नी रोमती का स्थान लेंगे। बाकी सारे इंपॉर्टेंट नाम है मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये भारतीय CEO हैं किसी न किसी कंपनी में। जैसे कि सुंदर पिचाई की बात करेंगे, आपको बताए अल्फाबेट के CEO बने थे, अल्फाबेट आपकी गूगल की पेरेंट कंपनी है। सत्या नडेला की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। अजय बंगा आपके मास्टर कार्ड के CEO हैं। वहीं एक और नाम याद रखो, शांतनु नारायण एडोब के CEO हैं, और अब अरविंद कृष्णा IBM के CEO बन गए हैं। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, स्थापना इसकी हुई थी 1911 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा, एक प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था इस तरह से कि IBM का निकनेम क्या है, निकनेम पूछा गया था एग्जाम में, तो वो याद रख लो आप, बिग ब्लू, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फिर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहेगी, तो आंसर होगा 5%। याद रखना, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात हो रही है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करेंगे तो फिर अंदाजा लगाया है 6 से 6.5% के बीच रहने का। फिर है, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे मुख्य व्यावसायिक अधिकारी CCO यानी कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया, तो आंसर होगा अनुराग दहिया को। बाकी ऑप्शन देखो, सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर्षवर्धन श्रृंगला अभी हमारे नए विदेश सचिव बने हैं, फॉरेन सेक्रेटरी। आपको बता होगा ये अभी तक अमेरिका में भारतीय उच्चायुक्त है, लेकिन अब ये नए विदेश सचिव बन गए हैं। और अमेरिका में नए भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने हैं, तो तरनजीत सिंह संधू बने, उनका नाम भी याद रखना। अनिल खन्ना ये एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष बने। और SK सैनी की बात करेंगे तो हमारे ये वाइस चीफ बने हैं ऑफ इंडियन आर्मी। और ICC की बात करें, स्थापना 1909 में हुई थी, हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, और इसके CEO कौन है, मनु सहनी है। फिर है, कहाँ पे 2020 के राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मैस्कॉट का अनावरण किया गया, तो आंसर होगा गोवा में। अच्छा, ये जो मैस्कॉट शुभंकर वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, ये शुभंकर है क्या, तो इसका नाम है रूबी गुला, जो कि एक फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है, कलगी बुलबुल है। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्टैटिक भी बन जाएगा, जो ये कलगी बुलबुल है ना, ये गोवा का राज्य पक्षी भी है, तो ये आप याद रखना भैया। अच्छा, ये नेशनल गेम्स इस साल कब से कब तक चलेंगे, तो 20 अक्टूबर को शुरू होंगे और 4 नवंबर तक चलेंगे, ये इसका 36वां संस्करण होगा। तो आप देख लो, 36वां संस्करण 2020 में हो रहा है, कहाँ पे, गोवा में। अगले साल 2021 में जो होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा, 2022 वाला उत्तराखंड में होगा, और 2023 वाला मेघालय में होगा। फिर एक, किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा M. अजीत कुमार को। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, तो इसके नए चेयरमैन बन गए M. अजीत कुमार। बाकी AP माहेश्वरी को आप जानते ही हो, CRPF के नए प्रमुख बने थे। बबीता रायडू SEBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी। फिर अभी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो आंसर होगा क्रिस्टीन सिंक्लेयर। अच्छा, ये है कहाँ से, तो ये कनाडा से हैं, और अब ये विश्व की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने कितने गोल किए, टोटल 185 गोल किए हैं, और इस तरह से इन्होंने अमेरिका की फुटबॉलर AB वेम्बेक का 184 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। याद रखना, ये महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में दोनों में सबसे ज्यादा गोल करने वाली है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ चुके हो, जैसे कि क्लेयर पुलोसाक, ये ऑस्ट्रेलिया की है और पुरुष वनडे में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। जैकलिन विलियम्स की बात करेंगे, वेस्ट इंडीज की हैं, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, पुरुषों के इंटरनेशनल मैच में थर्ड एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी थी। स्टेफनी फ्रापर्ट की बात करेंगे, फ्रांस की हैं, फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी। फिर है, वनडे क्रिकेट में 2 बार 6 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो आंसर होगा सुनेलस। अच्छा, ये है कहां से, तो ये साउथ अफ्रीका की लेग स्पिनर है, और अभी ये वनडे क्रिकेट में 2 बार 6 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, वनडे में सबसे ज्यादा 225 विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत की झूलन गोस्वामी के नाम है। फिर है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय थिंक टैंक को विश्व के टॉप 30 की सूची में शामिल किया गया है, तो आंसर होगा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को। तो अभी ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019 आया है, और उसमें भारत के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को वर्ल्ड के टॉप 30 थिंक टैंक में शामिल किया गया है।
अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इसको रैंक कितनी मिली है, 27 रैंक पे है ये। और अगर डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर आप देखते होंगे तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले ही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के रायसीना डायलॉग का आयोजन किया था नई दिल्ली में। अच्छा एक प्रश्न हो सकता है आपके माइंड में आ जाए, ये थिंक टैंक क्या होता है? तो देखो थिंक टैंक हम उन संस्थानों को कहते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य या विदेश नीति या तकनीकी या फिर संस्कृति जैसे विषयों पर नीतियां तैयार करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने। और इसमें टॉप पे रहा है यूएसए का थिंक टैंक जिसका नाम है एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पिछले साल 118वें स्थान पे था और इस बार 27 नंबर पे आ गया, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जहां पे भारत से जुड़ी किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट होता है तो वो प्रश्न ऑटोमेटिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है। फिर अभी किसे कनाडा में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो आंसर होगा अजय बिसारिया को। अजय बिसारिया नाम याद रखना है। बाकी विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत बने, पीछे ही हम पढ़ चुके हैं। तरनजीत सिंह संधु अमेरिका में भारतीय राजदूत बने, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मोहम्मद इमरान आप जानते ही हो, बांग्लादेश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया था। फिर अभी किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर प्रताप चौहान को। अच्छा कौन है ये? तो आयुर्वेद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने वाली कंपनी है जीवा आयुर्वेद, उसके ये निदेशक और ये खुद आयुर्वेद डॉक्टर है प्रताप चौहान। और इनको ब्रुसेल में यूरोपियन संसद में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए थे, साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, तो इसमें महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन कहां से है? तो ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर है और ये मात्र 21 साल की है और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। अच्छा इसमें इन्होंने किसको हराया? स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को हराया है। अच्छा एक और प्रश्न यहाँ पे याद रखो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, डायरेक्ट स्टेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड कोर्ट पे। और मैंने आपको याद करवाए थे चारों, भाई चार साल में चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, अब होगा फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन, तो चारों याद रखो। देखो ऊपर ही ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, सेकेंड वाला क्ले पे और थर्ड वाला ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो सोफिया केनिन का नाम याद रखना, अमेरिका नहीं। फिर अभी अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला बधिर व्यक्ति कौन बन गई है? बधिर व्यक्ति बोलते हैं मतलब डीफ पर्सन को, तो आंसर होगा मो ओ ब्रायन। ये 60 साल की फार्मेसी कर्मचारी है, मो ओ ब्रायन इनका नाम है। और अटलांटिक महासागर में 3000 मील यानी कि 4800 किलोमीटर की दूरी को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति बन गई है ये। बाकी ऑप्शन सारे इंपॉर्टेंट है। आरोही पंडित 2019 में अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी ये। सराय खुमालो माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला यानी कि ब्लैक लेडी बनी थी ये साउथ अफ्रीका से थी। निर्मल पूजा की बात करेंगे, ये नेपाल के पर्वतारोही है और दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तेजी से चढ़ाई करके एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। फिर फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मॉरिशियो मैक्री। और इनका नाम आपने जरूर पहले सुना होगा क्योंकि ये पहले अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी फीफा फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं। अच्छा अभी वर्तमान में अर्जेंटीना के मैं पूछूं राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर क्या दोगे? अल्बर्टो फर्नांडेस, याद रखना ये। अजय बिसारिया की बात करें, पीछे पड़ चुके हैं, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त एम्बेसडर बने, अरविंद कृष्णा आईबीएम कंपनी के सीईओ बने और विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत बने, तो ये नाम याद रखना भैया। फीफा की बात कर लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904 में हुई, हेडक्वार्टर याद रखो आप इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखो ज्ञानी इन्फेंटिनो है। और अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से यानी कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके हिसाब से बात करूं तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक फीफा रैंकिंग आई थी उसके अनुसार 108 है और टॉप पे बेल्जियम चल रहा था और बेल्जियम को फीफा टीम ऑफ द ईयर भी चुना था। फिर अभी किस राज्य ने वाईएसआर पेंशन कनुका योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। और मैंने आपको बता रखा है किसी भी योजना के अगर वाईएसआर लगा हो तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली आंध्र प्रदेश होगा। इसी तरह से मैंने एक और आपको चीट कोड बताया था, चीट कोड समझ लो, जैसे किसी भी योजना के आगे मो लिखा हुआ आता है, जैसे कि मो सरकार योजना, मो बस योजना, तो वो कहाँ की होगी? उड़ीसा की होगी। अच्छा इसका आंसर तो हो गया आंध्र प्रदेश, लेकिन ये योजना है क्या इसको समझो। तो इसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको अपनी पेंशन लेने के लिए कार्यालय में जाना पड़ता है और जिससे उन्हें काफी तकलीफ और काफी परेशानी होती है, तो उनके लिए ये योजना है। तो इस योजना के अंतर्गत अब उन्हें पेंशन लेने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, पेंशन उनके घर पर ही पहुंच जाएगी। तो ये एक तरह से डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना है। अच्छा इसी के साथ में जो वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले होते थे उनकी उम्र 65 ईयर से घटा करके 60 वर्ष कर दी गई है, ये भी याद रखो।
फिर अभी अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2020, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। यह अभी 1 फरवरी को शुरू हुआ था जो कि 16 फरवरी तक चलेगा और ये इसका 34वां संस्करण था। आपको इससे जो दो पॉइंट याद रखने वो ये है, देखो, एक तो ये हुआ का हरियाणा में हुआ और इसमें जो फोकस कंट्री रहा वो है उज्बेकिस्तान और जो थीम स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। तो ये तीन पॉइंट याद रखना, कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा में, थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश और फोकस कंट्री है उज्बेकिस्तान। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और याद रखना, हरियाणा सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी और 2020 को ही तेलंगाना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था। चलो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 वर्ष को किसके रूप में नामित किया था। फिर है भारत की पहली निर्यात फ्रूट ट्रेन को किस राज्य से रवाना किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। तो भारत की पहली फ्रूट ट्रेन है ये, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसको आंध्र प्रदेश के तादीपत्रे रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। इस ट्रेन में लगभग 1000 मेट्रिक टन केले हैं, बनाना है, जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट पर जाएंगे और इस कंसाइनमेंट को फिर मुंबई से ईरान में भेजा जाएगा। एक्चुअली में क्या, इस तरह के जो कंसाइनमेंट होते थे ना पहले, वो सड़क मार्ग से उनको ले जाना पड़ता था जिससे ईंधन और समय काफी लगता था और ट्रेन से फायदा है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, इसके कैपिटल देखो हैदराबाद है अभी तो, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है और मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी। और याद रखना, अब तक का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख आपका आंध्र प्रदेश में खोजा गया था और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आपका आंध्र प्रदेश में बना था और आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी भी दे दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें 2018-19 में फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है। वहीं सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा। और इसी साल मार्च में हमारी जो इंडियन नेवी है वो नेवल एक्सरसाइज करेगी, कौन सी? मिलन नाम का। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। अब गाइज, ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया है तो फटाफट से एप्लीकेशन पे जाओ और वहां पे आप क्विज लगाओ। इन सभी क्वेश्चंस के आप क्विज लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं और किन किन क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो, और जिन क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो उनके आंसर देखो और कुछ समय बाद फिर से क्विज लगाओ, और तब तक क्विज लगाओ जब तक कि आपके सारे क्वेश्चन राइट नहीं हो जाते। यही एक बेस्ट मेथड है इन सभी क्वेश्चंस को याद करने का, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए, अब आपकी बारी है आपको ये क्वेश्चन याद करने, अपने दिमाग में डालने। तो क्विज जरूर से लगा लेना और वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे शेयर जरूर कर देना।